So hi guys, a very warm namaste to all of you. My name is Manish and welcome back to the channel. So when it comes to bike touring, अगर हमें bike पे long distance touring करनी है तो for carrying our material, जो भी हमारा सामान है उसको carry करने के लिए we need to have some bag. So इसके लिए यार हमारे पास जो है market में तीन options आती हैं, mostly जो majorly जो तीन options आती हैं, you can use panniers and or you can use tail bag or you can use saddle bag. तो mostly ये तीन options में ही you can use any of the options. So, अगर हम पैनियर्स की बात करें तो पैनियर्स का जो है प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और इनका जो है वेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है. सो ड्यू टू दिस रीज़न जो हमारा सेडल बैग हैं और टेल बैग हैं, ये जो है मोस्टली या फ्रीक्वेंटली जो है यूज़ होते हैं टूरिंग के लिए, बाइक टूरिंग के लिए. सो मैं अपनी बात करूँ तो मैं टेल बैग और सेडल बैग जो है दोनों यूज़ करता हूँ. मेरे पास वियटारा का जो है टेल बैग 45 लीटर्स कैपेसिटी का टेल बैग है जो नॉर्मली मैं 5 to 7 डेज लॉन्ग ट्रिप में यूज़ करता हूँ. बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ का जो टेल बैग है आई डोंट प्रेफर ऑन दिस बाइक, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है. सो अगर उससे ऊपर लाइक 7 डेज से ऊपर मुझे टूरिंग करनी है तो आई यूज़ दिस सेडल बैग जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ. सो जो मैं टेल बैग यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है. सो उसका लिंक मैं यहाँ नीचे कहीं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन में डाल दूंगा. सो इफ़ यू वॉन्ट यू कैन चेक दैट लिंक ऑल्सो. सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट जो लोग इस चैनल पर न्यू है दे कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ दे आर लाइकिंग द कंटेंट. एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद लास्ट में कैसा लगा और विच बैग यू प्रेफर, टेल बैग और सैडल बैग. सो दीज आर द बैग एंड सेडल बैग जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, वन इज़ हार्ड सेडल बैग, अदर इज़ सॉफ्ट सेडल बैग. ये वाले जो बैग हैं दीज आर हार्ड सेडल बैग. अब डिफरेंस ये है कि हार्ड जो होते हैं वो अपनी शेप जो है रिटेन रखते हैं, लाइक यू कैन सी हार्ड हैं तो इनकी शेप सेम रहेगी एंड इसमें आप सामान चाहे कम डालो या ज़्यादा डालो, शेप इनकी यही रहेगी, साइज़ इनका यही रहेगा. एंड जो सॉफ्ट होते हैं ऑफकोर्स उनकी कोई शेप नहीं होती है, सो दे टेक शेप एज पर मटेरियल जो उसमें आप जो भी आप सामान डालोगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी शेप ले लेते हैं. प्राइस फॉर दिस बैग इज़ 4500 रुपीज़. इसका मॉडल है कॉन्डोर 2 अप. सो इसमें यू गेट ऑफकोर्स सेडल बैग है तो वन पेयर ऑफ बैग एंड इसमें जो है एक और मॉडल भी है अवेलेबल, दैट इज़ कॉन्डोर सोलो. उसकी कैपेसिटी जो है वो है 42 लीटर्स एंड उसका जो प्राइस है दैट इज़ 3900 रुपीज़. सो 600 रुपये प्राइस इससे कम है उसका और कैपेसिटी में काफ़ी फ़र्क है. मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे थोड़ा बड़ा साइज चाहिए था ताकि यू नो एटलीस्ट आई कैन डू ट्रिप फॉर 2 वीक्स विद दिस बैग. 42 लीटर्स का मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा पर्पजफुल है फॉर मी, बट जिनको शॉर्ट टूरिंग करनी है, शॉर्ट डिस्टेंस टूरिंग करनी है, आई थिंक 42 लीटर्स का है तो यू कैन डू टूरिंग फॉर 10 डेज, 7 डेज, 8 डेज विद दैट बैग. सो अब देखते हैं इसके साथ में क्या क्या मिलता है आपको. ये तो दो बैग मिलते हैं, उसके साथ में यू गेट वन दिस प्लास्टिक और फाइबर शीट, वन फॉर ईच बैग, एक इसके अंदर अभी ऑलरेडी है. एंड नेक्स्ट यू गेट दिस 100% वाटर प्रूफ लाइनर. नेक्स्ट यू गेट वन पेयर ऑफ दिस रेन लाइनर फॉर आउटर बॉडी. अब क्वालिटी की बात करें तो आई फील कि इसकी जो क्वालिटी है दैट इज़ टॉप नॉच. इसमें जो यू कैन सी स्टिचिंग जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की स्टिचिंग है इसमें. यहाँ पर यू कैन सी फॉर्म पैडिंग है अंदर इन ऑल डायरेक्शन, कुछ हार्ड मटेरियल इसके अंदर नहीं है. स्टिल यू कैन सी कि इसकी शेप जो है प्रॉपर इसने रिटेन की हुई है बैग ने. एंड ऑन बैक साइड आई विल शो यू, ऊपर जो मटेरियल है दिस इज़ वेरी नाइस एंड नीचे जो है ये जो है अलग लेयर है. ये मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है कम्पेयर टू दिस मटेरियल, और लाइक बैग को जब आप ज़मीन पर रखते हैं, नीचे रखते हैं तो ये मटेरियल आपका कहीं नहीं जाने वाला, दिस इज़ वेरी टफ. सो क्वालिटी वाइज कहीं भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया हुआ. यहाँ पर यू कैन सी वियटारा की जो है ब्रांडिंग है विद रिफ्लेक्टिव टेप्स. मैं इसको दिखाऊंगा जब मैं आपको बाइक पे इसको इंस्टॉल करूंगा, आपको माउंट करूंगा, आई विल शो यू. सेम बैग यू गेट इन राइनेक्स एंड राइनेक्स के जो बैग आते हैं ये हार्ड वाले, उनका प्राइस आई थिंक 5300 रुपीज़ है
और आई फील की क्वालिटी जो है इनकी सिमिलर है उस बैग जैसी, अच्छी क्वालिटी है। इनफैक्ट मेरे अकॉर्डिंग, मुझे पर्सनली इसकी क्वालिटी बेटर लगती है। मुझे कोई वियटारा जो है लाइक प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं दे रहा, जस्ट आई फील की क्वालिटी अच्छी है, सो आई एम शेयरिंग विद यू। सो नाउ आई विल शो यू इस बैग को यूज़ कैसे करना है। यूज़ करने से पहले आपने क्या करना है, इसमें फर्स्ट ये आपको मिलती है प्लास्टिक और फाइबर शीट, सो दैट इसकी शेप जो है फिक्स रहे। यहाँ पर एक स्लॉट है, ओपनिंग है, उसमें यू कैन यू नो जस्ट पुट दिस आराम से। अब ये आराम से चला जाता है अंदर। अब ये पूरी शीट आपकी यहाँ तक आ गई है, तो आपकी बैग शेप इसकी और प्रॉपर हार्ड हो गई है। नाउ इसमें आपको सामान डालने से पहले जो उसका 100% दिस इज 100% वाटर लाइनर, वाटर प्रूफ लाइनर, इसको यहाँ रखना है बैग को, बैग में जो भी आपका सामान है। सामान अंदर डालने के बाद में यू कैन जस्ट क्लोज दिस विद वेलक्रो एंड उसको तीन बार ट्विस्ट करने के बाद में यू कैन जस्ट क्लिप इट अप। इसके बाद आपका जो भी अंदर सामान है बैग के अंदर पूरा वो वाटर प्रूफ हो जाएगा, 100% वाटर प्रूफ। देन आफ्टर क्लोजिंग दिस आउटर जिपर, ये जो उसका रेन लाइनर है, इन केस ऑफ रेन यू कैन जस्ट माउंट दिस। सो एंड चलिए अब चलते हैं बाइक पे एंड आई विल शो यू कि इसको माउंट कैसे करना है बाइक पे और इसके अलावा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, वो हम बाइक पे चल के डिस्कस करेंगे। सो बिफोर माउंटिंग यू टू मेक श्योर कि जो ये बैक साइड है इसकी, जहाँ पर ये 3M की रिफ्लेक्टिव टेप है, ये पीछे आए बैक साइड की तरफ आए। एक बार इस बैग को इस बाइक के ऊपर रखने के बाद में यू कैन एडजस्ट दिस थ्रू दिस स्ट्रैप, उसके बाद यू कैन यू नो अगेन पुट दिस इन एंड ये इसके लूज होने के चांस ख़त्म हो जाएंगे। सेम वे आपको यहाँ करना है, उसके बाद में यू कैन जस्ट इसको साथ में टाई करके यू कैन जस्ट लीव इट। बैक साइड में इसके पीछे ये दो स्ट्रैप्स हैं ऑन बोथ साइड, सो इसको आपको सेडल स्टे के बीच में से निकाल के सेम वे यहाँ पर ये जो आपका हुक है इसमें टाई करना है। सो यू कैन टाइट दिस जितना मैक्सिमम हो सके टाइट। रिमेनिंग स्ट्रैप जो है यू कैन कट फ्रॉम हेयर, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और यू कैन यू नो जस्ट टाइट दिस आगे की तरफ से एंड ये जो आपका हुक है इसको आपको ये जो एंगल दिया हुआ बाइक का एंगल है व्हाटएवर जो भी है, इसमें से इसको निकाल के आपको इसमें डाल के आपको यू कैन टाइट। सेम वे ऑन दिस साइड ये आपको स्ट्रैप है, ये जो एंगल है यहाँ से निकालना है इसको एंड लाइक दिस यू कैन टाइट। जो एक्स्ट्रा स्ट्रैप है इसको ऊपर ला के यहाँ पर दोनों स्ट्रैप को यू कैन टाइट। सो आपका ये एकदम स्टेबल हो गया। यहाँ से आपको मेक श्योर कि टाइट करना है। अभी ये मेरा बैग खाली है तो थोड़ा हिल रहा है, अदरवाइज़ प्रॉपरली टाइट करेंगे तो इट विल नॉट गो एनीवेयर। सो अगर बात करें इस बैग के फीचर्स की और द थिंग्स विच आई लाइक, फर्स्ट जो इसका मेन कंपार्टमेंट है, इसकी जो ओपनिंग है, दिस इज़ क्वाइट वाइड। सो ऑन द गो अगर आपको कुछ सामान निकालना है अपना, तो बाइक रोक के आपको पूरा बैग यू नो डी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ओपन करने की कमेंट नहीं है। यू कैन जस्ट ओपन दिस लाइक दिस, सामान निकाल के अपना यू कैन जस्ट यू नो क्लोज दिस। सेकेंडली जो उसके जिपर हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं एंड अगर आपने ग्लव्स पहना हुआ है तो बाइक ग्लव्स विदाउट रिमूविंग ग्लव्स यू कैन यू नो होल्ड दिस एंड ओपन दिस, सो दिस इज़ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो इसमें जो है ऊपर आपको ये नेट मिलता है, दिस इज़ वेरी यूजफुल अगर आपको लाइक अपना रेन जैकेट रखना है और यू कैन यू नो आप उतरे बाइक से आपको ग्लव्स उतार नहीं है तो यू कैन यू नो जस्ट पुट, तो जो आपको इजी एक्सेसिबल आइटम है यू कैन पुट हेयर और ऑन द गो आपको रिक्वायर्ड है तो यू कैन जस्ट यू नो टेक आउट लाइक रेन जैकेट आपकी तो यू कैन टेक आउट एंड यूज़ इट। सो नेक्स्ट फीचर और थिंग विच आई लाइक इज़ इसकी ये मैश पॉकेट जो है बोथ साइड में यू हैव मैश पॉकेट्स और इसमें यू कैन यूज़ यू नो फॉर कीपिंग योर वाटर बॉटल और जो आपकी टूल किट है काफ़ी स्पेस है इसके अंदर। यू कैन टाई बॉटल विद दिस
strap. Next thing which I like is you got two side pockets on both side. इसमें you can put your documents और जो भी आपके papers हैं you can put in this bag. So overall काफ़ी spacious है ये bag. Next useful thing is इसमें you have got 3M tape, जो ये reflective tape है like you riding in night और आपकी bike की जो है weight थोड़ी increase हो गई है. So night में आपकी जो bike है काफ़ी visible रहेगी during night ride, which is required. अब ये तो हो गए बात फीचर्स की, हम बात करें इसमें नेगेटिव पॉइंट की. तो एज सच नेगेटिव पॉइंट इसमें मुझे नहीं लगता कुछ है, बट अगर एक चीज़ जो मुझे लगती है इसमें नेगेटिव में बात करूँ तो इसका साइज़ जो है, दिस इज़ हार्ड बैग, तो इसका साइज़ जो है सेम ही रहता है. अगर इसके अंदर सामान आपने कम डाला हुआ है तब भी इसका साइज़ जो है पूरा रहेगा. सो अगर सॉफ्ट बैग है तो उसका साइज़ जो है ऑफकोर्स एज पर यू नो कितना आपने सामान डाला उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग साइज़ छोटा बड़ा हो जाएगा, बट इसमें आपका जो साइज़ है बड़ा ही रहेगा. तो यू कैन से कि एक ड्रॉबैक है या आई मीन हार्ड बैग है तो ऑफकोर्स ये ड्रॉबैक उसमें रहेगा. सो गाइस आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. अगर अच्छा लगा हो तो डू हिट द लाइक बटन, इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी टू मेक मोर सच व्लॉग्स. सो स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर व्लॉग्स एंड टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय.